नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे मुल्तानी मिट्टी के फायदे के विषय में, यानी त्वचा पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से हमें कितना फायदा होता है और किन किन बीमारियों को ठीक करने में मुल्तानी मिट्टी कारगर सिद्ध होता है। इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। साथियों, मुल्तानी मिट्टी को कौन नहीं जानता। यह एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है जो त्वचा से जुड़ी एलर्जी को, इन्फेक्शन को दूर करती है। इसमें पानी या गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे चेहरे पर या बालों पर लगाया जाता है और इसके अचंभित चौंकाने वाले फायदे देखने को मिलते हैं। खूबसूरत त्वचा और स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को हल करने के लिए सदियों से मुल्तानी मिट्टी का उपयोग होता आ रहा है। यह न केवल समस्या को फौरन ठीक करता है बल्कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होती है। त्वचा के साथ यह बालों की भी कई सारी समस्याओं को ठीक करने में कारगर है। यह एक मिट्टी की तरह है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण समाये होते हैं जो स्किन से जुड़ी एलर्जी को दूर करने में मददगार साबित होती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मुल्तानी मिट्टी में पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को चेहरे या बालों पर लगाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए, साथ ही मुहासों, निशान, टैनिंग इत्यादि जैसी समस्या को दूर करने के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। आइए विस्तार पूर्वक एक एक करके जानें। एलर्जी से छुटकारा मिलता है। अगर आपको कोई एलर्जी या इन्फेक्शन है तो बस 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल के साथ मिला लीजिए और इसे एलर्जी वाली जगह पर लगा दें। आपको उसकी ठंडक से फौरन ही आराम मिल जाएगा। दूसरा फायदा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसे त्वचा पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो सकता है। शरीर या ब्लड सर्कुलेशन जब बेहतर होता है तो इससे अनावश्यक डेड स्किन निकल जाती है। तीसरा फायदा है, सूजन को कम करने में कारगर सिद्ध होता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, इसलिए त्वचा की सूजन पर इसे लगाने से आपको आराम पहुंचा सकता है। साथ ही सूजन जल्द ही कम हो जाएगी और आपकी स्किन चमकने भी लगेगी। चौथा फायदा है, एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर होने के कारण मुल्तानी मिट्टी घाव को भरने में भी कारगर होता है। बस इसे चोट पर एक पेस्ट की तरह लगाएं, इससे आप कुछ ही देर में बेहतर महसूस करेंगे। आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कम करने में और रंग को निखारने में कारगर होता है मुल्तानी मिट्टी। लगातार सूरज की किरणों के संपर्क में आने से पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। इस समस्या के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में नारियल पानी और चीनी को मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगा लें। इससे पिगमेंटेशन काफी अच्छी हो जाती है। प्यारे साथियों, आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, मुहासे इत्यादि को खत्म करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक रहने दें। इसके बाद स्वच्छ पानी से चेहरे को साफ कर लें और उसके बाद एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगा लें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर जितनी भी डेड स्किन है वो खत्म हो जाएगी, मुहासे खत्म होने लगेंगे, दाग धब्बे खत्म होने लगेंगे, आपका चेहरा निखरने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सगे संबंधियों तक शेयर कीजिएगा। अपना परामर्श हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।